से ज्यादा हो कैंड यू आर वॉचिंग से मैं ना लो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वो फिर के जिंटू के बारे में था और आज का हमारा वीडियो है जो कि सेवी फॉर्मेट के बारे में है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर फेक एजेंटों के बारे में तो बता दिया कि किस तरह एजेंट में ना फंसने के लिए बट जॉब कैसे मिलेगी। मेरा उन लोग से रिक्वेस्ट है और बताना भी चाहता हूँ कि आप लोग सेवी बनाइए और मुंबई जाइए और कुछ मेहनत कीजिए, आईटीएफ कंपनियों में जाइए, आरपीएसएल में जाइए, मे बी उन लोग के पास वैकेंसी होगा तो तुरंत ले लेगा, नहीं तो कुछ टाइम लेगा। पर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो पैसे बचेंगे, तो कुछ नॉलेज गेन होगा और अच्छा सा कंपनी मिल जाएगा। बट ये फेक एजेंटों को पैसे लेकर कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप लोग जाओ मुंबई और ये सीवी फॉर्मेट देखो और सीवी बनाओ, मुंबई में कंपनीज में जमा करो सीवी, अगर वैकेंसी हुई तो जल्दी मिल जाएगी। को मैंने तीन फॉर्म में बांट दिया है इजीली समझाने के लिए। फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं क्या क्या आता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कैडेट, ट्रेनी ओएस, टीएमई या फिर ट्रेनी वेपर। आफ्टर दैट नेम, आप अपना नाम डाल दीजिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजियन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन होगा, लैंग्वेज यू नो हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिए। सेकेंड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग एड्रेस देखते हैं। एड्रेस के लिए आप दो पार्टीशन में बांट दीजिए, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो भी परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिए। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट डिटेल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट डिटेल डालेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, फिर प्लेस ऑफ इश्यू डाल दीजिए, फिर सीडीसी का डाल दीजिए, जो भी सीडीसी आपके पास है, इंडियन हो, पनामा हो, जो भी हो, फिर इंडोज नंबर का डाल दीजिए, फिर येलो फीवर वेकेशन का डाल दीजिए। में आप अपने एस टी सी डब्ल्यू कोर्स डिटेल डाल दीजिए, जैसे कि पी एच डी, पी एस एस आर, एफ पी एफ एफ, ई एफ ए, एस टी, एस डी, एस डी, पी सी ट्रेनिंग, ओ टी एफ सी, यू जी एफ एफ, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, प्लेस ऑफ इश्यू। इसके बाद अगर आपका सी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक और कॉलम बन जाएगा, वो उसमें सी एक्सपीरियंस फिल होगा, जिसमें जो कि ये फ्रेशर के लिए, तो ये फ्रेशर के लिए दिखा रहे हैं। लास्ट में जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर दीजिए, बस आपका सीवी तैयार हो गया और तैयार होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। आप सीवी तैयार है, अब आप कंपनीज में जाइए, अपना सीवी जमा कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। Watching my video, if you really like this video, give big thumbs up and don't forget click subscribe button. Thanks.